नमस्कार दोस्तों, चांद की सतह पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाना किसी भी मून मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। आखिर ऐसा क्यों है और अब तक के मून मिशन में लैंडिंग कैसी रही है, इन सब के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। और हमारा चंद्रयान मिशन 2 क्यों फेल हो गया, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसी भी मून मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर उतारना। इसी हिस्से में आकर ज्यादातर मून मिशन फेल हो जाते हैं। चंद्रयान 2 भी अपने मिशन के इसी हिस्से में आकर गड़बड़ी कर बैठा। जी हाँ दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही बताया था कि मून मिशन का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण वो 15 मिनट होगा जब चंद्रयान चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 2 का लैंडर उस 15 मिनट में चांद की सतह के 2 किलोमीटर के करीब आ चुका था जब लैंडर का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और फिर इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। दोस्तों, आइए अब ये जानते हैं कि चांद की सतह पर लैंडिंग कैसी होती है। चांद की सतह को पहली बार 1959 में छुआ गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 में पहली बार किसी मानव निर्मित यंत्र ने चांद की सतह को छुआ था। अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट्स समेत स्पेसक्राफ्ट ने चांद की जमीन पर कदम रखा था और तारीख थी 20 जुलाई 1969। दोस्तों, 1969 और 1972 के बीच चांद की सतह को कई बार छुआ गया। इस दौरान अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की 6 बार हुई लैंडिंग में एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल थे। अमेरिका ऐसा इकलौता देश है जिसने चांद पर मानव सहित मिशन को अंजाम दिया है। दिसंबर 1972 में आखिरी बार अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह को छूकर वापस आए थे। अब तक चांद पर सभी लैंडिंग चांद के सबसे करीबी हिस्से में हुए हैं। 3 जनवरी 2019 को पहली बार चीन के स्पेसक्राफ्ट ने चांद के सबसे दूर के हिस्से पर लैंडिंग की। दोस्तों, पहली बार सोवियत संघ ने अपने मून मिशन की शुरुआत की थी। सोवियत संघ के लूनावन मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह को छूने में असफल रहा था। रूस के स्पेसक्राफ्ट का चांद पर लैंडिंग की कोशिश भी नाकाम रही थी। इसके बाद सोवियत संघ ने चांद पर हार्ड लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। दोस्तों, आइए अब ये जानते हैं सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग 2 तरीके से होती है, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीरे धीरे कम करके आराम से चांद पर लैंड करवाया जाता है। हार्ड लैंडिंग में स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर क्रैश कराया जाता है। सोवियत संघ के लूना 2 मिशन में स्पेसक्राफ्ट को चांद पर हार्ड लैंडिंग करवाई गई। 1962 में अमेरिका ने अपने रेजर 4 मिशन में इसी तरह की लैंडिंग करवाई थी। इसके बाद ब्रेकिंग रॉकेट्स की मदद से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की शुरुआत हुई। इसमें रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम करके सॉफ्ट लैंडिंग होती है। रॉकेट स्पेसक्राफ्ट की गति के दिशा के विपरीत में छोड़ा जाता है ताकि उसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की गति में रुकावट पैदा हो और उसकी स्पीड कम हो जाए। दोस्तों, 1969 में पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिली थी। 1969 में पहली बार सोवियत संघ को अपने लूना 9 मिशन में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी हासिल हुई थी। लूना 9 से लेकर लूना 13 मिशन के दौरान पहली बार चांद की जमीन की फोटो खींची गई और वो धरती पर पहुंची थी। अमेरिका ने अपने पहले 5 मून मिशन में मानव रहित स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। 24 सितंबर 1970 को लूना 16 मिशन में सोवियत संघ के स्पेसक्राफ्ट पहली बार चांद की मिट्टी को लेकर धरती पर आया था। दोस्तों, सोवियत संघ के लूना 15, लूना 18 और लूना 23 क्रैश लैंडिंग की वजह से फेल हो गए थे। हाल के दिनों तक कई देशों के मून मिशन क्रैश लैंडिंग का शिकार होकर फेल हुए हैं। इसमें स्पेसक्राफ्ट 8,000 किलोमीटर की स्पीड से चांद की सतह पर आकर
क्रैश हो जाता है। दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे किसी भी मून मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग, और इसी हिस्से में आकर चंद्रयान 2 गड़बड़ी कर बैठा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। आपकी कोई राय हो या फिर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।